ਵਾਲਾ ਲਿਖੇ ਸੂ ਔਰ ਜੁਲਦੇ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ड्राइविंग लाइसेंस का असूल बड़ा आसान बना दिता गया है। तुसा टेस्ट दसो ड्राइविंग वास्ते और उन्दे बाद तुसा सो लाइसेंसिंग ब्रांच असा इवेले मौजूद हैं जी मेन लाइसेंसिंग ब्रांच है सीतलमाड़ी उत्थां और उत्थां दे दें कि क्या प्रोसेस होंगे लाइसेंस बनाने वास्ते। गाड़ी चलाने की तो बहुत जरूरी है कि तुहाडे कोल लाइसेंस होवे इंदा चलावण दा, मोटरसाइकिल है, गड्डी है, कार है, बस है, ट्रक है, कोई भी है। और उन लाइसेंस के असूल किते तो लाइसेंस ऑफिस आवना पौंदे। असा जिथा इवेले मौजूद हैं, सन नाल मौजूद हैं मिर्जा गुलाम अली सयूनी, साकू तफसील लसेंदे पैन के इत्थां क्या क्या तरीकेकार होंदे और तुसान के किवें अपना लाइसेंस बनवा सकते हो। जी मिर्जा साहब जी, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जो भी बंदा या जो भी लेडीज़ 18 साल की हो जाती है तो वो लर्नर पहले लेगी। जब लर्नर लेगी तो उसके 42 दिन के बाद वो गाड़ी सीखने के बाद हमारे पास टेस्ट सेंटर में आएगी, वहाँ से वो टेस्ट दे के अपना लाइसेंस हासिल कर सकती है। हमारे पास जो भी लोग आते हैं उनको वन विंडो के तहत एक ही छत पे नीचे जो है तमाम सहूलियाँ दी जाती हैं, जिनमें आपको टिकट्स यहाँ अवेलेबल है, डॉक्टर अवेलेबल है, उसके बाद बहुत सारा जो हमारा जो हमारे जो है ना PSID पे चले गए हैं, टिकट्स का भी वो ख़त्म हो गया, अपना मोबी कैश पे करे, बैंकिंग ऐप से पे करे, जैसे उसको इजी है, कन्वीनियंट है, वो पे कर सकता है। और यहाँ पे किसी किस्म का लोगों को इतना बेहतरीन जो है वो सीटिंग प्लान दिया गया है। लोग यहाँ पर बैठते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, 5 से 10 मिनट में हर बंदा जो है वो अपना मुतलका काम करवा कर यहाँ से जा सकता है। अच्छा मिर्जा साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके 6 सेंटर यहाँ मुल्तान में भी काम कर रहे हैं और इस वक्त हम आपका जो मेन ऑफिस है लाइसेंस का वहाँ मौजूद है, तो ये कितना प्रोसेस है, क्या क्या करके जो है वो एक नौजवान यहाँ आता है तो उसको अपने साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने चाहिए और किस प्रोसेस से उसको गुजरना होता है, ये मुझे ज़रा हमारे सामने को बता दें। जी सर बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। जो भी बंदा आता है पहले पूरे डॉक्यूमेंट लेके आता था, फाइल आपको बाहर फोटोस्टेट मशीनों से मिलती थी, वो बड़ा हैजर्ड था लोगों के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिर्फ आप एक ID कार्ड लेके आएंगे, बाकी फॉर्म और ईच एंड एवरीथिंग, टिकट्स, फॉर्म, डॉक्टर, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। आपने सिर्फ ID कार्ड की कॉपी या असल ID कार्ड लेके आना है, बाकी तमाम चीज़ें यहाँ एक छत तले अवेलेबल हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अली भाई, आपने हमें तफसील से बताया। यहाँ बहुत सारे काउंटर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं और बाकायदा एक टोकन के जरिए उनको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये काउंटर किस तरह काम कर रहे हैं? सर हमारी ये जो मेन ब्रांच है यहाँ पे 8 काउंटर हैं और तमाम ऑल एंड वन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, जिस काउंटर पे जिसकी बारी आती है तमाम सहूलियात, जिसमें इंटरनेशनल लाइसेंस है, लोकल रिन्यूअल है, डुप्लीकेट है, रेगुलर लाइसेंस है, किसी का कोई इतराज़ है, इवन कि हमने एक डेस्क एडिशनल IG साहब ट्रैफिक के हुक्म से लाइसेंस डिलीवरी का भी हमने यहाँ स्टैब्लिश कर लिया है। जिन लोगों के लाइसेंस किसी सूरत में नहीं मिल पाते वो हमने यहाँ पर उसको एक काउंटर स्टैब्लिश कर लिया, वहाँ पर हम जो लोग आते हैं यहाँ पर उनको चेक करके उनका लाइसेंस भी यहाँ से एट द स्पॉट डिलीवर कर रहे हैं। बहुत अच्छी सहूलत है सही। और वो लोग जो इन चीज़ तो जरा थोड़ा परेशान थी मिल के वेसू तो उतना एक लंबा प्रोसेस करना पोसी, साकू मिर्जा गुलाम अली साहब ने पहन के बिल्कुल आसान कर दिया गया। तो अपना एक शिनाख्ती कार्ड गिन किया हो, टेस्ट पास किया हो, वे उन्हें बाद इतना आओ, बड़ा आसान ही तरीका है। मुख्तलिफ काउंटर इन पहचाने पे हो मेरे नाल नाल के उत्थान के तुसा अपना बकायदा थम देंगे हो, अपनी जी तफसीलात दसें हो, वो फील्ड थी वेंदे और एक मखसूस अरसे तो या तो घर के पते से डिलीवर थी वेंदे लाइसेंस या वाल तो ब्रांच चो गिन सकते हो। बहुत सारे लोग इतना आए हुए हैं, नौजवान भी हैं, पक्की उम्र के भी लोग हैं जिन्हें नहीं लाइसेंस बनवाया होता, वो आए हैं और अपने लाइसेंस वास्ते अप्लाई करेंगे, पेंशन नाले मौजूद हैं, लाइसेंस हो के क्या क्या इतना बैठे हुए कैसा महसूस? तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ लाइसेंस वास्ते लोग परेशान हैं। इतने वेले बेल कोई ऐसा मसला नहीं है, काउंटर खाली ने, वेले वेले उन्होंने अच्छी हो रही है, बंदे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक जड़ा ना थोड़ा एक बंदा यह टेंशन देते कोई किसे पासे भेज देते हैं। जैसे अब मैं थाना सीतलमाड़ी, वहाँ पुराना सीतलमाड़ी चला गया हूँ,
वहाँ से मुझे पता चला है कि यहाँ ऑफिस है, ये है, वो है, भाई ये थोड़ी सी लोगों को परेशानी है। ये दोस्त आए हुए हैं अपना लाइसेंस बनाने के लिए, शायद लाइसेंस बनवाने यो रजिस्ट्रेशन। अस्सलाम वालेकुम जी, लर्नर बनवाना आया हूँ कार मोटरसाइकिल का, आईडी कार्ड की कॉपी है और PSID पे करके उनसे अपना लर्नर बनवाऊँ। अमला बहुत कॉपरेटिड है यहाँ, यानी कोई उसमें तंगी नहीं हो रही है लाइसेंस के लिए। आईडी कार्ड की कॉपी दी है और लर्नर बनवा रहा हूँ। ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा? नहीं, नहीं ज़्यादा वक्त नहीं लगा, आराम न लाए और पुरसकून माहौल है ये। बिल्कुल सही, अमला भी कोऑपरेटिव है। इस वास्ते नहीं कि असा उन्हें तारीफ करने पे, असा आप लिखे पे हैं और मेरा कैमरा भी तो लिखना पे है कि लोग आते हैं तसली ना लिखा बांधे ना, अगर उन्हें को थोड़ा जहा इंतजार करना पौधे टोकन दे दिए तो आँदे हो अपने मखसूस वक्त और आन के अपनी तफसीलात देंदे हो और उन्हें बात वाला प्रोसेस मुकम्मल थी वे इतना लाइसेंस बढ़वा।